आम जनमानस एवं श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना की शुरुआत होने जा रही है। इसके लिए चलित मोबाइल वैन नगर निगम भिलाई चरोदा में आ चुकी है। 1 नवंबर राज्योत्सव के दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा हरी झंडी दिखाकर विधिवत इसका शुभारंभ किया जाएगा। श्रमिकों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक योजना बनाई थी जो 1 नवंबर से धरातल पर उतरेगी। इस योजना का नाम मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना दिया गया है जो नगर निगम भिलाई चरौदा के 40 वार्डों को कवर करेगी। इस योजना के तहत सर्व सुविधा युक्त मोबाइल वैन तैयार की गई है जिसमें खून जांच, ब्लड प्रेशर, मलेरिया सहित 40 प्रकार के रोगों की जांच सुविधा इस मोबाइल वैन में है जो हर वार्ड में नियत स्थान पर खड़ी होगी। वहां श्रमिक अपना इलाज करा सकेंगे। मोबाइल वैन में 15 डॉक्टर, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन एवं नर्स अपनी सेवाएं देंगे। ये 8 से 12 बजे तक सवेरे और शाम को 4 से 7 एक वार्ड में एक निर्धारित स्थान हम लोगों ने रूट चार्ट बनाया है उसमें रहेगी और जितने मरीज जिसमें चाहें लाभ ले सकते हैं। और यह दिन के हिसाब से प्रति मंगलवार हो सकता है हर वार्ड में जाए, ये गाड़ी की उपलब्धता के अनुसार हम निश्चित करेंगे। फिलहाल हमारे मंगलवार, बुधवार, मंगलवार से लेकर के संडे तक चलेंगी गाड़ी। एक दिन ऑफ रहेगा, 6 दिन सुबह 8 से 12 और शाम 4 से 7 इसका लोग लाभ लाभ। ये गाड़ी चलित चिकित्सा यूनिट के रूप में आई हुई है। इसका लोकार्पण झंडे दिखा करके, मुख्यमंत्री द्वारा झंडे दिखा करके 1 नवंबर को इसको झंडे दिखाया जाएगा और 2 नवंबर से ये सभी निगमों में नियमित रूप से निगम क्षेत्र के उन वार्डों में जहां पर श्रमिक बाहुल्य क्षेत्र है ऐसे क्षेत्रों में जा करके पीड़ितों का ये इलाज करेगी। इस यूनिट में 40-41 प्रकार के परीक्षण होगा जैसे खून का, पेशाब का, बीपी का और जितनी भी सामान्य बीमारियां हैं उसकी दवाई भी इस यूनिट में मुफ्त मिलेगा। बहरहाल इस मोबाइल वैन चलित चिकित्सा सुविधा से कितने श्रमिकों को लाभ मिलेगा यह तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि प्रारंभिक तौर पर देखा जाए तो सरकार ने भव्या हेल्थ सर्विस प्राइवेट लिमिटेड विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश को यह ठेका दे रखा है। इस मोबाइल वैन में जो डॉक्टरों की टीम चल रही है उन्हें 7 वर्षों का अपॉइंटमेंट भी दिया गया है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए भिलाई से खिलावन सिंह चौहान की रिपोर्ट।